नमस्कार दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी है और एक भीषण गर्मी के चपेट में पूरा उत्तर भारत अभी फंसा हुआ है। कई शहरों में जैसे दिल्ली और राजस्थान के कुछ शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो एक इनह्यूमन कंडीशन है जिसमें ह्यूमन का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और हम 42 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को हमारा शरीर झेल सकता है। जैसे ही 42 से ऊपर तापमान, एटमॉस्फेरिक तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ये घातक साबित हो सकता है। हमें अपने आप को ख्याल रखना है, लेकिन आज का इस वीडियो को लाने का पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब हमारा शरीर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और किस तरह से ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हीट स्ट्रेस एंड हीट स्ट्रोक। फ्रेंड्स, हमारा शरीर का अपना एक कूलिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जब हमारा शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमारा शरीर उस गर्मी को रिस्पॉन्ड करता है और उसे ठंडा, हमारे शरीर को ठंडा करने का कोशिश करता है। वो इस तरह से होता है, हमारे शरीर जब गर्मी से एक्सपोज होता है तो पसीना निकलता है, पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करता है, वो हमारे शरीर के गर्मी को वो भाप बन के उड़ा देता है और हमारे शरीर को ठंड रखता है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मटके में जब पानी हम रखते हैं तो आप देखेंगे कि मटके का पानी ठंडा रहता है और ऊपर मटके के ऊपर में जो है नमी बना हुआ रहता है, वही नमी उस मटके का पानी को ठंड रखने में मदद करता है, क्योंकि वो नमी जो है वो गर्मी को अंदर जाने नहीं देता है, वो भाप बन के उड़ जाता है और गर्मी अंदर तक नहीं पहुँच सकता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी रेस्पॉन्ड करता है। एक और उदाहरण दे दूँ कि जैसे पशु पक्षियों, जैसे कि अगर मैं कुत्ते का एग्जांपल ले लूँ, डॉग्स का, वो आप देखेंगे जब ज़्यादा गर्मी रहता है तो वो अपने जीभ को निकाल के इस तरह से वो करते हैं, तो वो अपने जीभ के ज़रिए, क्योंकि उनके शरीर में पूरा बाल बना हुआ रहता है, तो वो अपने जीभ से गर्मी को निकालने की कोशिश करते हैं हमारे अपने शरीर से। तो लेकिन जब हमारा शरीर एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे कि अभी जैसा वर्तमान में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कूलिंग मैकेनिज्म भी ख़राब हो जाता है और हमारा शरीर एक एक्सट्रीम हीट को के एक्सपोज़र में आ जाता है और हमें हीट स्ट्रेस होता है। हीट स्ट्रेस में हमें, जिसे हम लू भी कह सकते हैं, लू हमें लग जाता है, जिसमें शरीर हमारा वीक हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, आप नीचे गिर जाएंगे, आपको उल्टी जैसा लगेगा, ये सब आपको हीट स्ट्रेस में देखने को मिलता है। तो जैसे ही अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे, तुरंत आपको उस पर्सन को उनका शर्ट को आप ढीला कर दे ताकि शरीर से गर्मी निकले, और फिर हो सके तो ठंडा पानी पिलाने का कोशिश करें। अगर ठंडा पानी वो नहीं पी पा रहे, पूरी तरह से बेहोश हो गए हैं, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास आप ले जाएं और इलाज शुरू करवा दें। दूसरा है डिहाइड्रेशन। जब हमारा शरीर गर्मी में एक्सपोज होता है तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, पसीना के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, पसीना नमकीन होता है, बहुत सारे नमक निकलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वो नमक होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बहुत पसीना निकलता है, हमारे शरीर से बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाता है, तो हमारे मसल मांसपेशियों में ऐंठन शुरू होता है और दूसरे प्रकार के सिम्टम्स भी होते हैं। तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन। ठीक है, जब हमारा शरीर गर्मी के प्रकोप में आता है तो हमारे जो हार्ट में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत स्ट्रेस पड़ता है। देखिए, जब हमारा शरीर बहुत हीट के एक्सपोज में आता है तो हमारा ब्लड वेसल्स जो है, जिसमें खून बहता है, वो डायलेट हो जाता है ताकि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ब्लड फ्लो बढ़ने से हीट जो है वहाँ से डिसिपेट होता है, वहाँ से हीट हटने लगता है। तो हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जब हमारा शरीर एक्सेसिव हीट से एक्सपोज हो तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट जोर से पंप करने लगता है। तो ये चीज़ जो है, जिनको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत खतरनाक है, जिनको कार्डियोवास्कुलर का डिजीज़ है उनको बहुत खतरनाक है ये। एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिनको हृदय रोग है उनको बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, उसमें हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है।
और अगला है हाइपरथर्मिया, यानी कि हमारा शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा शरीर एक हाइपरथर्मिया स्टेट में आ जाता है, जिसमें जो दूसरे अंग हैं हमारे ब्रेन में काम करना, फंक्शन करना ठीक बंद कर देता है, हमारा किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करता है, जिससे हमें हीट क्रैम्प्स आते हैं और जो मांसपेशी में ऐंठन कहते हैं वो होता है, उल्टी जैसा लगता है, बेहोशी जैसा, डिजीनेस, चक्कर आता है, ब्लैकआउट हो जाता है, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं जब हमारा शरीर में हाइपरथर्मिया हो जाता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, ये हमारे ब्रेन को भी काफ़ी इफेक्ट करता है। हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, तो जब एक्सेसिव हीट में हमारा बॉडी एक्सपोज होता है तो हमारे ब्रेन का जो प्रोटीन है वो भी ब्रेक होने लगता है और उसका जो नेचर है वो ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन होता है, चक्कर जैसा आने लगेगा, मिर्गी भी आ सकता है, या फिर आप इतना तक कि अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप कोमा तक में जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है। कुछ एज ग्रुप को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको उन पर वो ज़्यादा गर्मी का ज़्यादा असर होता है, इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। प्लस जिनको पहले से किसी प्रकार का बीमारी है, जैसे शुगर का प्रॉब्लम है, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को भी ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जिनको पहले से किसी ना किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, उनको भी हीट से बचना चाहिए, गर्मियों से बचना चाहिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अभी जैसा मौसम है, काफ़ी इतना ज़्यादा गर्मी तो नहीं होना चाहिए, ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ये एक एटमॉस्फेरिक चेंजेस ही है, एक ग्लोबल वार्मिंग का ही है, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसी की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। खैर वो तो एक बहुत ऊँचे लेवल का टास्क है, हम अभी क्या कर सकते हैं, अपने आप को गर्मी से बचाना है। कोशिश करें कि आप सुबह को 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे तक आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। और बहुत लोगों को मॉर्निंग वॉक करने का आदत रहता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, 6 बजे से पहले वॉक करें, या फिर आप लेट इवनिंग में वॉक करें, 6 बजे के बाद शाम को वॉकिंग करेंगे। अर्ली मॉर्निंग वॉक करने का क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन है, उसके 10 फायदे मैंने बताए हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दें, अपना कमेंट दें। और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं, इसी तरह से मैं हेल्पफुल वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस लाते रहता हूँ, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।